पठानकोट की तारागढ़ पुलिस ने बीती रात एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो कि मार्बल की दुकान पर लेबर का कार्य करता था और साथ ही साथ हथियारों का व्यापार भी करता था। इस युवक की पहचान कन्हैया कुमार के रूप में हुई है जो कि बिहार का रहने वाला है और वहां से देसी कट्टे लाकर पंजाब में अलग अलग जगह पर बेचता था। इसी के चलते ये किसी शख्स से देसी कट्टे की डील कर रहा था कि जिसकी जानकारी खरीदने वाले ने पुलिस को दी, जिसके चलते पुलिस ने बिहार के रहने वाले शख्स को देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस द्वारा आरोपी युवक को कोर्ट में पेश कर रिमांड ले इससे पूछताछ की जा रही है कि इसने पहले कितने कट्टे बेचे हैं और कितनों के साथ डील चल रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है जिसमे कई खुलासे हो सकते हैं। कल साड़ी तारागढ़ पुलिस ने भी कामयाबी मिली है, एक कन्हैया नाम का व्यक्ति पकड़िया जिदे को एक देसी कट्टा देसी 32 बोर पिस्टल रिकवर हो जड़ा बेसिकली कन्हैया जरा बिहार का रहने वाला इतने मलकपुर इतने किराए पर रह रहा है तो मार्बल का काम करता है डेली वेज लेबर बिहार तो लैके आया। ये कल ये अरेस्ट पा के अं कल मुकदमा नंबर 55 अंडर सैक्शन 25 आम जैक्ट थाना तारागढ़ दर्ज करके तफ्तीश शुरू की है। अज इन कोर्ट च पेश करके रिमांड लें, उम्मीद है कि इतों होर भी कुछ रिकवरियां होंगे। मतलब ये चीज़ अजे वेरीफाई कर रहे हैं कि इन्हें पहला किसी सप्लाई किया कि नहीं, क्योंकि कल शामी पकड़िया तो हूँ इन कोर्ट च पेश करने बाद रिमांड लैके फिर दोबारा सारी डिटेल चेक कर दे। पठानकोट से कैमरामैन अभिषेक भारद्वाज के साथ अजय सैनी की रिपोर्ट।